Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So after a long time, we are again continuing the topic electric organs in fishes. Last जब हम लोग electric organs in fishes पढ़ रहे थे तो हमने location of electric organs पे stop करा था और आज हम लोग general structure of electric organs in fishes से start करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, सबसे पहले लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में कुछ डायग्राम्स रहते हैं जिसको वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था कि किस तरह की फिशेज में कहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन लोकेटेड रहता है. यहाँ पर हम लोग उसके डायग्राम को भी देख रहे हैं. अगर आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा हो तो फिर भी एक आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये इमेज मेरे पास थी. स्टेनार्कस का यहाँ पर दिखाया गया है. ये दो हेड के अंदर टॉर्पेडो में है, टेल रीजन में नेथोनीमस के अंदर है. फिर स्पेलिंग आपको पता होगी इसकी, जिमनार्कस में यहाँ टेल रीजन में है. फिर उसके बाद यहाँ पर जिम्नोटस जो है उसके अंदर दिखाया गया है. जिम्नोटस फिश के बारे में हमने पढ़ा था. यहाँ पर राजा फिश के अंदर दिखाया गया है. मेलेप्टेरस यहाँ पर दिखाई गई है. फिर उसके बाद एस्ट्रेकोकोपस फिश जो आपने देखी थी ये उसके बारे में है. और जो इलेक्ट्रोफोरस फिश होती है, यहाँ पर उसका नेम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, पर स्टिल हम उसको समझ सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल डायग्राम हुआ. इसका थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम देखते हैं. सो जो इलेक्ट्रोफोरस का डायग्राम जो एकदम प्रॉपरली विजिबल नहीं था, उसका मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा इमेज है, यहाँ से दिख जाएगा. टॉर्पेडो कुछ इस तरह से है, नेथोनीमस कुछ इस तरह से है. देन हमारे पास दूसरा डायग्राम जो मेरे पास है थोड़ा डिटेल में, वो है ये राजा फिश, उसके बाद जिम्नोटस, मेलेप्टेरस, एस्ट्रोकोपस. और जो ओवरऑल फाइनल डायग्राम है वो यहाँ पर हम लोग इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के लिए एक रिविजन था. इसका प्रीवियस पार्ट जो पार्ट फर्स्ट था वो आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको और डिटेल समझ में आएगी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो. सो अब आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं. अब होता क्या है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जो शेप और पोजिशन होती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स तो देखिए एक तरह से हम ओवरऑल बात करते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका जो शेप है, उसकी जो पोजीशन है फिशेस के अंदर, वो वेराई करती है. तो जैसी भी अलग अलग तरह की स्पीसीज होंगी फिशेस की, उसी तरह से शेप और जो पोजीशन होती है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की, वो भी वहां पर डिफरेंट हो सकती है. लेकिन फिर भी हम ये बात यहां पर कह सकते हैं कि मोर और लेस उनमें कहीं ना कहीं एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. तो डिफरेंस कहां आ रहा है, जो शेप है और जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की, वो फिशेस में, फिशेस के अंदर वेराई करती है. लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनल, जो भी कहना चाहिए आप, स्ट्रक्चर कह दो उसको, या फिर जो भी आप उसकी इंटरनल डिटेलिंग कह सकते हो, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर फिशेस का, वो मोर और लेस हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सिमिलर होता है फिशेस के अंदर. हर तरह की फिशेस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होता है. शेप पोजीशन वहां पर उनकी डिफरेंट हो सकती है. तो दो द शेप एंड पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेज वेराई ग्रेटली, येट ऑल ऑफ देम हैव मोर और लेस अ सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर. हर तरह का जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो लार्ज नंबर ऑफ डिस्क शेप्ड सेल का बना होता है. जैसे डिस्क होती है कहीं ना कहीं इस तरह की, तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक ऑर्गन है तो उसमें बहुत सारे डिस्क शेप के, ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. उसमें क्या होते हैं, डिस्क शेप के सेल होते हैं, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं. और ये जो डिस्क शेप्ड सेल्स हैं, इनका जो नेम होता है वो आप पहले से ही जानते हैं, वो होता है इलेक्ट्रोसाइट्स, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स. फिर अब ये बात तो यहां पर क्लियर हुई. अब ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं ये सिंपली ऐसे तो नहीं रहते होंगे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में, ये कहीं ना कहीं एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए होते हैं जेली लाइक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के अंदर. तो ये जो डिस्क शेप सेल्स इलेक्ट्रोसाइट्स हैं वो एक मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए होते हैं. ये मैट्रिक्स रहती है, इस मैट्रिक्स में वो रहते हैं. और ये मैट्रिक्स कैसी रहती है, ये मैट्रिक्स होती है जेली लाइक, जेली लाइक, और वो भी है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. इतनी बात क्लियर हो गई. तो ये तो एक छोटा सा यहाँ पर इसका कहना चाहिए एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि ईच ऑर्गन इज कम्पोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क शेप्ड सेल्स कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइट्स एम्बेडेड इन अ जेली लाइक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. अब यहाँ पर ये जो डिस्क शेप सेल्स है, जो इलेक्ट्रोसाइट्स हैं, ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, बाइंड रहते हैं, बाइंडेड रहते हैं, बाइंडेड तो नहीं कहना चाहिए, सॉरी, बाउंड रहते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं. ये आप समझना आपके लिए यहाँ पर जरूरी है. तो ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं एक दूसरे से जब जुड़ते हैं, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको इसको एक तरह से डिस्पर्स्ड वे में बताया, लेकिन ये रहते कैसे, जुड़े हुए रहते हैं, मान लीजिए इस तरह से. अब एक ही डायग्राम में हम लोग ज्यादा डिटेल्स वहां यूज नहीं कर सकते, इसलिए अब हम यहां पर समझ रहे हैं. तो ये सारे इलेक्ट्रोसाइट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं,
ठीक है। अब ये जब जुड़ते हैं, ये बाउंड होते हैं एक दूसरे से, तो किसके थ्रू होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। इनको कौन यहाँ पर एक दूसरे से अटैच कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू की स्पेलिंग आपको आई होप आती होगी, तो सीटी यहाँ पर लिख लेंगे हम, और आती ही होगी ये वाली बात। तो कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ये इलेक्ट्रोसाइट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक इलोंगेटेड ट्यूब कहीं ना कहीं वहां दिखाई देती है, या फिर एक कंपार्टमेंट जैसा लुक वहां पर हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज इनटू एन इलोंगेटेड ट्यूब और कंपार्टमेंट, और एक दूसरे को फेस भी करते हैं, आमने सामने एक दूसरे को आप दिखाई दे रहे होंगे, आपके सामने ये हर इलेक्ट्रोसाइट एक दूसरे से कहीं ना कहीं फेसिंग करता है, एक दूसरे के आमने सामने करता है। और किससे सप्लाइड रहते हैं? नर्व फाइबर से सप्लाइड रहते हैं, यानी कि इनमें नर्व फाइबर्स जुड़ी होती हैं। अब नर्व फाइबर्स आपको पता है क्या होती है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स भी इसमें रहते हैं, क्योंकि इनको भी कुछ ना कुछ सप्लाई होता रहता होगा, तो वो कैसे होगा? नर्व फाइबर्स के थ्रू होगा। तो ये बात आपको यहाँ क्लियर होती है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है कि जो जेली रहती है, ये वाली बात तो मैंने इन सारे सेल्स के बारे में करी, अब ये जो जेली यहाँ पर नीचे है, इन जेली के अंदर भी तो कुछ सप्लाई आना चाहिए ब्लड वगैरह का, तो ये मैट्रिक्स जो है जिसको हम जेली कह रहे हैं उसको भी सप्लाई मिलता है, अंदर अंदर इसको भी सप्लाई मिलता है। किस चीज का सप्लाई मिलता है? वो आता है ब्लड का सप्लाई, और किसके थ्रू आता है? वो आता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। सो ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पर थोड़ा सा रोल प्ले था। अब हर इलेक्ट्रोसाइट जो होता है, ये जो हमने सर्कल्स बनाए, ये सर्कल्स, हर इलेक्ट्रोसाइट को अगर आप देखोगे, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम अलग से यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, क्योंकि हम लोग एक ही डायग्राम में बार बार उसको नहीं समझ सकते। तो वो जो इलेक्ट्रोसाइट रहता है उसमें नर्व फाइबर्स तो चलो आ रही है, ये वाली बात तो हमें यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रही है कि ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं जिसमें नियरली ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो कैसा साइटोप्लाज्म है इन सेल्स के अंदर? साइटोप्लाज्म इनका नियरली ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पूरा क्लियर है, पारदर्शी है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, उसमें जो चीजें रहती है वो क्या होती है? बहुत सारे न्यूक्लियस। तो बहुत सारे न्यूक्लियस जब होंगे, मैनी न्यूक्लियस, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नाम दोगे। सो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और ये किसका डायग्राम बना रहे हैं हम? इलेक्ट्रोसाइट्स का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये बात यहां क्लियर होती है। सो इलेक्ट्रोसाइट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ईच इलेक्ट्रोसाइट, हर इलेक्ट्रोसाइट की बात कर रही हूं मैं, हर इलेक्ट्रोसाइट की, ईच इलेक्ट्रोसाइट इज सप्लाइड बाय, सॉरी यहां पर ऐसे लिखना आप, ईच इलेक्ट्रोसाइट इज मल्टी न्यूक्लिएट सेल हैविंग नियरली ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से पूरा जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है उसको हमने यहाँ पर समझ लिया कि वो अंदर से कैसा रहता है। शुरू में मैंने बता दिया कि उसका शेप, उसकी पोजीशन किस जगह पर लोकेटेड है, हर तरह के फिशेज में वेराय करता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो हर तरह की फिशेज में कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। उसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर होना था, उसमें इलेक्ट्रोसाइट नाम के सेल्स होते हैं, एक एक चीज का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा। तो अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है, ये जो फिशेज है, मान लीजिए ये फिश है, फिश के अंदर ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन है मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन को जब आप किसी फिश में देखोगे, और उसकी जो मसल्स है, मसल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ इस शेप से मान लीजिए, तो आप जब इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को और मसल्स को फिशेज में एक साथ देखोगे, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि कौन सी चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है वो क्लियर जिलेटिनस मास जैसा नजर आता है। क्लियर जिलेटिनस मास, एक क्लियर जिलेटिन जो होता है, अगर आपने उसको देखा होगा कभी, तो उसका जो लुक रहता है कहीं ना कहीं उसी तरह से यहाँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू दी मसल्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ईच इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स या फिर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स अपियर लाइक अ क्लियर जिलेटिनस मास एज कम्पेयर टू दी मसल्स। मसल्स के कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कैसे दिखाई देते हैं? क्लियर जिलेटिनस मास की तरह। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स, तो मैं यहाँ ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब एक चीज और क्या है कि कभी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर पाए जाने वाले डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग्स। इनमें कुछ अलग ही तरह की उसका एक कैरेक्टर बनाने वाली फोल्डिंग दिखाई देती है। जैसे आप जानते हैं फोल्डिंग्स किस तरह से हो सकती है, इस तरह से कुछ हो सकती है, तो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग जो रहती है वो ये इलेक्ट्रोसाइट अपने अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ कुछ कॉन्वोल्यूशंस भी शो करते हैं ये कॉन्वोल्यूशंस। तो कॉन्वोल्यूशंस की स्पेलिंग यहां लिख ली हमने, CONVOLUTIONS। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग्स, कुछ कॉन्वोल्यूशंस शो करते हैं, जो कि किस तरह से होते हैं
और वो भी कहाँ पर, उनके सरफेस पर। तो कभी कभी जैसे ये मान लीजिए एक डिस्क जैसा सेल का जो शेप होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा, तो कभी तो सिर्फ एक ही तरफ फोल्डिंग शो कर देंगे, कभी उसके दोनों सरफेस पर फोल्डिंग शो कर देंगे। तो इलेक्ट्रोसाइट्स में अंदर का स्ट्रक्चर तो आपने पूरा अच्छे से समझ लिया, लेकिन उनमें फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग्स या कॉन्वोल्यूशंस होते हैं। तो वो कॉन्वोल्यूशंस या तो उनके किसी एक साइड पर होंगे या फिर दोनों साइड्स पर भी या दोनों सरफेसेस पर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं। ये बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो पता होना चाहिए। अब यूजुअली होता क्या है, जो नर्वस एंड रहता है इनके अंदर, जहां से नर्व एंडिंग्स दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल यहां से नर्व एंडिंग्स है इस एरिया से, ठीक है, तो जो नर्वस एंड रहता है वो ज्यादातर स्मूथ होता है, और जो नॉन नर्वस फेस होता है इनका उसमें कुछ लार्ज पेपिले पाए जाते हैं। तो आप क्या याद रखोगे कि जिस तरफ से नर्वस एंड है, ठीक है, मान लीजिए ये नर्वस एंड है, नर्वस एंड इस तरफ से, तो ये सरफेस कैसा दिखाई देगा इन इलेक्ट्रोसाइट्स का, वो स्मूथ दिखाई देगा, फाइन। तो इलेक्ट्रोसाइट्स का जो नर्वस एंड होता है वो स्मूथ होता है, और मान लीजिए ये वाला जो सरफेस है वो नॉन नर्वस है। मैं समझाने के लिए समझा रही हूँ, इसको ड्रॉ कर रही हूँ। सो जो नॉन नर्वस वाला पोर्शन होगा या फेस होगा, उसमें क्या चीज होती है, वहां पर होते हैं पेपिले, यहां पर होते हैं पेपिले, ये आपको समझना होगा। यहां पर इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि एक एडेप्टेशन है यहां पर, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सके इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय लोवरिंग द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल मेम्ब्रेन एरिया। ये एक तरह का एडेप्टेशन है, जिससे कि क्या हो जाएगा कि वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने की इफिशियंसी, यानी कि जितना अच्छे से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन से, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोवर कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं यहां पर, हम जो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हम उसको कम कर रहे हैं इलेक्ट्रोसाइट्स का यहां पर, जिससे कि एक इंक्रीज आ रहा है टोटल मेम्ब्रेन एरिया में और एक अच्छा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज हो जाएगा। ये चीज हम समझा रहे हैं। ये जो ये स्ट्रक्चर आपने सिर्फ इतना से यहां पर जो समझा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है, ये एक एडेप्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, फिशेज में ये होना भी बहुत जरूरी है। तो ये इसी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रूव कर देता है, दिस प्रूव्स एन एडेप्टेशन टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बाय लोवरिंग द इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द टोटल मेम्ब्रेन एरिया। क्योंकि आप टोटल मेम्ब्रेन एरिया बढ़ा रहे हो तो वहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना था इलेक्ट्रोसाइट्स का, वो वहां पर कम हो जाता है, और इससे इफिशियंसी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की है वो बढ़ जाती है। सो इस एडेप्टेशन से जो बेनिफिट्स है वो मैंने यहाँ नोट कर दिए। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है टोटल मेम्ब्रेन एरिया बढ़ने की वजह से, और उससे फाइनली होता ये है कि इफिशियंसी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वो इंक्रीज कर रही है इस स्ट्रक्चर के होने से, कि जो नर्वस एंड है वो तो स्मूथ होता है और जो नॉन नर्वस फेस है इनका, वहां पर पेपिले पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज यहां पर होती है जो आपको और एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, देन हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। बस जरा सा और बचा है जनरल स्ट्रक्चर जो है फिशेस के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का, उसमें ये है कि ये जो इलेक्ट्रोसाइट आपने यहां पर बनाया है और ये जो नर्व्स यहां पर दिखाई गई, हमने शुरू में भी बात की थी कि उसमें एक नर्वस एंड होता है, यानी कि नर्व्स कहीं ना कहीं नर्व फाइबर जहां से जुड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोसाइट्स में ये जो नर्व आगे जुड़ेंगी, नर्व फाइबर्स आके जुड़ेंगे, इसका जो मोड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, यानी कितनी जगहों पर इन दोनों का कॉन्टेक्ट होगा, किसका, नर्व फाइबर्स का और इलेक्ट्रोसाइट्स का, वो हर तरह की फिशेज में डिफरेंट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो डिफरेंसेस इन द मोड ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन नर्व्स एंड इलेक्ट्रोसाइट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फिश स्पीशीज। ये बात क्लियर हुई। फॉर एग्जाम्पल टॉर्पेडो की बात करते हैं, ठीक है, टॉर्पेडो में क्या होता है, ये जो नर्व्स ब्रांच होते हैं वो रिपीटेडली पूरी तरह से एक्सटेंड करती है ऑलमोस्ट ओवर दी होल सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट्स। जैसे ये इलेक्ट्रोसाइट है टॉर्पेडो का, तो उसके नर्व फाइबर्स करीब करीब पूरे ही सरफेस पे लगे होते हैं, एक्सेप्ट कुछ प्लेसेस पर उसके नर्व फाइबर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया, यहां पर नर्व फाइबर्स उससे आके नहीं जुड़ रहे। तो मोड ऑफ कॉन्टेक्ट नर्व्स का और इलेक्ट्रोसाइट्स का कहां हो गया, करीब करीब पूरे होल सरफेस के ऊपर हो गया। ये तो टॉर्पेडो की बात हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करती हूं, दूसरी बात करें, अगर हम साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल की बात कर लेते हैं, चले साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट करवाना है, आई एम ऑलरेडी लेट, थोड़ा सा लेट हो गए इस बार हम लोग। तो जो साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। तो ये जो फिश होती है, इसमें जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो कंसिडरेबली रिड्यूज होता है, क्योंकि यहां पर जो नर्व के एंड रहता है वो सिर्फ शॉर्ट पेपिले तक ही करीब करीब रहता है।
तो फॉर एग्जाम्पल ये है या शॉर्ट पेपिले, तो नर्व एंडिंग्स बहुत आसपास पेपिले के आसपास पाई जाएगी, बाकी होल सरफेस पर नहीं पाई जाएगी। सो इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस की बात तो ये होगी साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक फिश। फिर होती है मोरमायरस फिश की एग्जांपल। तो मोरमायरस में ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो फर्दर और रिड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ तो फिर भी इतना कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मोरमायरस में ये कांटेक्ट और भी कम हो जाता है। किसका कांटेक्ट? नर्व फाइबर्स का और इलेक्ट्रोसाइट्स का। सो मोरमायरस के अंदर ये और रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो अफ्रीकन मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिकस फिश होती है उसमें ये जो कांटेक्ट होता है वो एक पॉइंट पे ही पाया जाता है। तो ये इसमें थोड़ा और रिड्यूस हो गया। देखिए इसमें थोड़ा था, मान लीजिए इसमें इतना था, डबल राइट जितना, फिर यहाँ पर या फिर थ्री कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर टू जितना हो गया कॉन्टेक्ट। फिर मैं एग्जाम्पल के लिए एरो से एक्सप्लेन करी, यहाँ पर एक ही हो गया, या फिर एक, हाँ चलिए एक ही बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट एक और फिश का एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ, अफ्रीकन मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिकस एक फिश ये भी होती है। तो इस फिश में तो जो कांटेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर होता है, ओनली वन पॉइंट कांटेक्ट। अब एरो से ये मत कहना कि मैंने तो यहाँ पर एक एरो बना दिया तो इसका मतलब यहाँ पर भी, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एरो बना देती हूँ। मानी ज्यादा एरो हो गया, समझ में आ रही बात? तो इतना रिडक्शन होता जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे? डिफरेंसेस इन दी मोड, पूरा पैराग्राफ इसका एक्सप्लेन कर दिया मैंने, लिखवा देती हूँ। डिफरेंसेज इन दी मोड ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन नर्व्स एंड इलेक्ट्रोसाइट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फिशेज। फॉर एग्जाम्पल इन टॉर्पेडो द नर्व्स ब्रांच रिपीटेडली एक्सटेंड ऑलमोस्ट ओवर द होल सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट्स। इन साउथ अमेरिकन ईल फिशेज या फिर इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन विच द नर्व्स एंड ऑन अ नंबर ऑफ शॉर्ट पेपिले। इन मोरमायरस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर फर्दर रिड्यूस्ड, वाइल इन अफ्रीकन मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिकस द कॉन्टेक्ट इज एट वन पॉइंट ओनली। ये सारी बातें यहाँ कंप्लीट। सो अभी आपने स्ट्रक्चर तो यहाँ देख लिया। सो आपको थोड़ा बहुत रिवीजन भी अगर प्रीवियस वीडियो सेगमेंट का पता होना चाहिए तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार। जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो करीब करीब बहुत सारी फिशेज में पाए जाते हैं, कॉन्डिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, सभी तरह की फिशेज कैपेबल होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर पाए। ये जो पिक्युलरिटी रहती है फिशेज में वो कहीं ना कहीं अनरिलेटेड स्पीशीज में भी पाई जा सकती है, डिफरेंट फैमिलीज वाली फिशेज में भी पाई जा सकती है, और ये एक तरह का उनके लिए एडेप्टेशन भी है इन्वायरमेंट को लेकर। तो ये गुड एग्जांपल भी है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। कभी कभी कोई पूछ लेता है कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का फिशेज में होना ये एडेप्टेशन तो है, ये तो बात क्लियर है, लेकिन ये किस चीज का एग्जांपल है? ये एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर बता रही हूं, ये कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फिशेज दो तरह की होती है, फिर हमने देखा दो तरह के इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स वाली फिशेज होती है, जिसमें एक होती है स्ट्रांग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाली और दूसरी होती है वीक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने वाली। फिर इन दो फिशेज में कुछ ऐसे फिशेज होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, कोई मराइन वाटर में पाई जाती है, ये बातें हमने पढ़ी। फिर कहीं ना कहीं एक टेबल के फॉर्म में हमने समझने की कोशिश करी ये वाली तरह से। तो इस तरह से ये टेबल तो आपको बनानी ही है। देन वी स्टडी दी स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। उसके लिए एक पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पर रीड आउट करती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपने नोट कर दिया देन यू कैन क्लोज दी वीडियो, लेकिन अगर आप नोट करना चाहते हो तो मैं नोट्स को यहाँ पर आपके लिए रीड आउट करूंगी, आप उसको डिक्टेशन में दूंगी, आप उसको नोट करते जाएंगे। सो द शेप एंड लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेज, बट ऑल ऑफ देम आर हिस्टोलॉजिकली सिमिलर। ईच ऑर्गन इज कम्पोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्क लाइक सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स एंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेट्स और इलेक्ट्रोसाइट्स। इन्हीं इलेक्ट्रोसाइट्स को इलेक्ट्रोप्लेट्स भी कहते हैं। अच्छा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, वरना फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए इन दोनों को एक ही चीज कहते हैं। Then these muscle cells have lost the capacity to contract but are modified to generate current. ये एक तरह के मसल सेल्स ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रोसाइट्स बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे मसल सेल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पर मॉडिफाइड हो जाते हैं करंट जनरेट करने के लिए। द इलेक्ट्रोसाइट्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स और इन अ सीरीज लाइक द बैटरीज इन टॉर्च लाइट। एक टॉर्च के अंदर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टॉर्च, तो टॉर्च में जब बैटरीज को हम जमाते हैं तो ऐसे ऐसे स्टैक बना के जमाते हैं, उसी तरह से ये तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम समझाया था, लेकिन ओरिजिनली वो कैसे अरेंज्ड होते हैं? इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। सो दिस मसल सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बट आर मॉडिफाइड टू जनरेट करंट। द इलेक्ट्रोसाइट्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स और इन सीरीज लाइक द बैटरीज इन टॉर्च लाइट सो एज टू फेस द सेम डायरेक्शन इन अ गिवन स्पीशीज। These are embedded in a jelly-like extracellular material and are bound together by connective tissue into a compartment. Each electrocyte is a multinucleate cell with nearly transparent cytoplasm. One cell surface is rough, raised into papillae.
वो डायग्राम कहाँ था, यहाँ पर, ठीक है, रे वन कहाँ गया, हम लोग यहाँ डायग्राम देख रहे हैं ना. सो वन सेल सरफेस इज रफ रेज्ड इनटू पेपिले और फोल्ड्स एंड अदर इज स्मूथ. एक तो स्मूथ एरिया होता है और एक तरफ से पेपिले बनते हैं. द स्मूथ सर्फेस इज सप्लाइड विथ नर्व्स. जो स्मूथ वाला सर्फेस होता है वहाँ नर्व्स आती है. द मोड ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द नर्व्स एंड इलेक्ट्रोसाइट मे डिफर इन वेरियस स्पीशीज. दस इन राजा एंड टॉर्पेडो द नर्व्स ब्रांच रिपीटेडली एंड एक्सटेंड ओवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट्स. देन इन इलेक्ट्रोफोरस द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज मच रिड्यूस्ड बिकॉज द नर्व्स एंड ऑन अ नंबर ऑफ शॉर्ट पेपिले. दिस इज फर्दर रिड्यूस्ड इन मोरमाइरस. And in Meleptera, the nerve contact is at one point only. So now I am stopping the video right now. And इसके बाद और details में जाएंगे. Electric organs यहाँ completely finish नहीं हुए, लेकिन मैं पूरी तरह से आपको explain करना चाहती हूँ. इसलिए एक एक करके हम हर चीज समझेंगे. Torpedo, Narcine, fishes का electric organ कैसा होता है, या और जो further details रहेंगी सब कुछ हम देखेंगे. Functions, फिर वो voltage वाला जो process रहता है, पूरा हर चीज हम देखने वाले हैं. सो सून हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट लेंगे और उसको समझेंगे. सो थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी लर्निंग.